हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज है राखी, तो आज राखी के दिन हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बनेगा। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, क्योंकि मेरा बहुत मन था और मेरे पास साड़ी है, तो मैं साड़ी पहनूंगी। हाँ, देखते हैं क्या होता है आज के दिन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बनेगा और मैं किसी को राखी बांधूंगी, तो आज मैं साड़ी पहनूंगी, इसलिए मैं ज़्यादा घर की हालत देख रहे हो। हम लोग जो वो पिकनिक गए थे ना, वो अभी तक क्लीन नहीं हुआ हुआ है। और ये पूरे के पूरे कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो ये सबको साफ करूंगी। और मैंने जो साड़ी पहनना है मुझे जो साड़ी मेरे को पहनना है वो मैं निकाल के रखी हुई हूँ। ये मेरी दोस्त पहनेगी शायद, मतलब ये मेरे पास ट्रेडिशनल के नाम पे बस यही है, एक सूट और एक दो साड़ियाँ। और ये पूरे कपड़े बिखरे पड़े हैं क्योंकि अभी हम लोग पिकनिक गए थे ना, उसकी वजह से थक गए थे। और यहाँ किचन का भी हाल एकदम बेहाल है, इन सब किचन को साफ करेंगे, बाद क्या करेंगे, राखी बनाएंगे। पड़ोसी के एक बच्चे को राखी बांधने जाने वाली हूँ, पैसा भी लेगा, 500 रुपये तो मिल ही जाएगा, तो जाती हूँ। अभी हम लोग पैसे कमाने जा रहे हैं, देख रहे हो राखी हमने ले लिया है, मेरी दोस्त है रेडी वेडी होके, उसी के बच्चे के पास जा रहे हैं पैसा कमाने। क्योंकि नहीं, बात पैसे की नहीं है भाई, हम लोग राखी किसी को बांधे नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मतलब है चाचा का लड़का है, तो मैं चाहती हूँ बांधने के लिए। और इतना अच्छा दिन है, भाई बहनों का दिन है तो बनता है, उसकी भी कोई बहन नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं राखी बांधने के लिए। स्माइल थोड़ा, मैं साड़ी पहन चुकी हूँ और ये साड़ी पहना हुआ है मैंने क्योंकि आज राखी है ना, इसलिए साड़ी पहने हैं मैं और मेरी फ्रेंड ने भी डिसाइड किया था कि वो साड़ी, आज मैंने साड़ी पहना हुआ है राखी स्पेशल। राखी वैसे बांध के आ गई, बट हम लोग सोचे थे कि आज हम लोग साड़ी पहनेंगे और सारा दिन हम लोग साड़ी पहन के ही काम करेंगे, पूरे किचन का काम। और ये येलो साड़ी, मतलब येलो मेरी फेवरेट साड़ी है, तो मैंने येलो सभी पार्ट पहन के रखा हुआ है। और आपको मैं साड़ी में आज सारा दिन दिखूंगी, ठीक है? अगर आपको मेरे ऊपर साड़ी अच्छी लग रही होगी तो कमेंट जरूर करना, मेरा फेवरेट है। मेरे को साड़ी पहनना बहुत पसंद है, बट मैं पहन नहीं पाती हूँ, तो आज मैंने पहना हुआ है। तो हम लोग अभी किचन में आ गए हैं, जो कि किचन पूरा भसड़ मचा हुआ है, पता पूरे सामान इधर तितर बितर हो गए हैं। और इसमें आलू चढ़ाया हुआ है और ये रहा चना, बनाना शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं काट रही हूँ ये टमाटर क्योंकि अभी बनेंगे चना और आलू, और आलू तो मैंने चढ़ा दिया हुआ है, बस हो गया। आटा गूंद गया है, टमाटर वगैरह मैंने काट लिया है, और ये रहा चना और आलू। और ये मसाले, गंदगी है भाई आज तो है, इसको साफ करेंगे बाद में। और ये प्याज व्याज पक रहे हैं। और ये बगल वाली आंटी ने दिया था, जिनके यहाँ हम लोग अभी राखी बांधने गए थे ना, उन्होंने दिया था ओनम की, कल ओनम था, वो साउथ इंडियन है, यहाँ कल वो आई थी बट हम लोग नहीं थे घर पे, तो वो आज आ गई हमको देने के लिए। भाई साड़ी पहन के मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रह सकती हूँ पूरा दिन भर, बस ये है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा ही नीचे आ गया है, तो ये ना ये से धूल मिट्टी लग रहे हैं इस पर। खैर कोई बात नहीं, आज पहनूंगी फिर, तो धो देना है। चने डालती हूँ, आलू तो पके हुए हैं थोड़े, तो उसको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले से इसको थोड़ा पकाती हूँ, उसके बाद खीर की तैयारी चल रही है। खीर बना रहे हैं आज हम लोग, मैंने आपको बताया था ना खीर पूड़ी और सब्जी बनाएंगे, तो हम लोग दूर खाना सब्जी हमारा बनना शुरू हो गया है, मतलब अब वेट करें, भूख बहुत लग रहा है। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मतलब मेरी दीदी आई हुई है, बट हम लोग इतने बदतमीज लोग हैं कि अभी तक कुछ नहीं बनाया और अभी बना रहे हैं अपनी। हम लोग सो के काफी लेट उठे थे, उसके बाद फिर हम लोग राखी बांधने चले गए। अब खाना, पिकनिक में गए थे ना, वो वाली गैस यहाँ पे रखी थी, तो इसको लेके जाती हूँ। और हम लोग छोड़ दिए थे भाई, इतने जाने का बड़ा कष्ट हुआ हमारे साथ। पिकनिक का मजा घर का भी निकल गए भाई साहब, पूरा पूरा घर का माहौल ही बिगड़ गया था, है ना? तो इसको लगाते हैं, दर्द हो गया है। उसके बाद पूरी बनाना चाहिए, पूरी
मूवी बनाने के लिए ये सब हो रहा है। नाक वाली काम कर रहे हैं, देख रहे हो। हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट साड़ी में, क्योंकि खीर बना रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं लेने। हमारी दीदी हंस रही है, डर लग रहा है ऐसे बैठने में, सही में डर लग रहा है। लेके आ गए हम लोग पहन के ही। मैं ले चली गई थी दुकान, और ये मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं ऐसे करूंगी, साड़ी पहन के रिएक्शन लूंगी, बट रिएक्शन मुझे ले नहीं पाई क्योंकि भाई शर्म इतनी आ रही थी। हाँ हाँ, दूध कम हो गया है तो दूध लेने जाना है, अब क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। चल उसमें पूरी बन नहीं पा रहा था, तो हम लोग ये रख लिए, मतलब ये नया जुगाड़ पता नहीं क्या है, इसमें ऑयल डाल के फिर इसको अच्छे से करेंगे। मेरे को आ नहीं रहा है, रोटी जैसे अच्छे से बनता है, ये पूरी नहीं बन पाता मेरे से। ये हो गया हम लोग का आज का खाना, ये रहा पूरी और सब्जी, आलू और मटर चने की, और ये रहा चावल, और ये खीर, ये कटोरियाँ हैं, और ये मैम साड़ी मैंने अभी भी नहीं खोला, और आज दिन भर मतलब थोड़े टाइम तक तो रखूंगी, उसके बाद खोल दूंगी, क्योंकि फेस्टिवल वाला वाइब आनी चाहिए, वाइब्स आनी चाहिए, तो मैं पहन के घूम रही हूँ। और भाई आज पूरा ऐसे ही घूमी मैंने, पूरा सामान लेने ऐसे चली गई, बट मुझे मजा आ रहा है। ये पूरी ना पापड़ बन गया, देख रहे हो, फिर तो टूट रहे हैं, टू इन वन बज रहे हैं। ये तो पूरी तरह से पापड़ बन गया है, कोई क्या ही कर सकते हैं। और ये सब खाने बैठ गए हैं। हाँ ठीक, टाइम वेस्ट ना करके हम लोग पूरी और पापड़ दोनों एक साथ ही खा रहे हैं, काहे हम अपना टाइम वेस्ट करें। आपने इससे पहले कभी खाया था? कभी नहीं। चावल एकदम खिले खिले बने हुए हैं, जीरा राइस, मतलब जीरा राइस प्रॉपर तो नहीं है बट है। इस टाइम नहीं खा पाई तो अभी खा रही हूँ। और ये रहा खीर, क्या है कि मेरे को गर्म पसंद नहीं है खीर, मेरे को ठंडी खीर पसंद है, तो मैं इसको फ्रिज में रखी और अभी इसका टेस्ट करूंगी। बहुत ही अच्छा, बस थोड़ा सा काजू वाजू ज़्यादा होता, थोड़ा ड्राई फ्रूट ज़्यादा होता तो और अच्छा लगता, किसमें ज़्यादा है बट दूसरा ड्राई फ्रूट होना चाहिए था। आज दिन में तो जो खाया और अभी रात में बन रहा है बैगन और दाल है ये, और मेरी बहन बना रही है, आज मेरे घर आई है तो ये बना रही है, और मैं थक गई भाई आज, एक तो पूरा दिन भर साड़ी पहनी और एकदम थक गई, तो मेरी बहन आज खाना बना रही है मेरे लिए, कभी कभी बहन भी बना देती है, तो ठीक है चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।